जय हिंद दोस्तों, आप सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेवा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी की तरफ से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश एसएससी सीजीएल की भर्ती जो निकली है उसकी नोटिफिकेशन के बारे में। तो एक्स सर्विसमैन के लिए इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पूरी की पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये 109 पेज का नोटिफिकेशन है जिसको मैंने शॉर्ट करके एक स्लाइड बनाई है आपके लिए खासकर। तो चलते हैं हम उस स्लाइड पे। तो ये दोस्तों वो स्लाइड है, आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स में, ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट डेट्स। तो आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे वो होंगे दोस्तों 24 जून 2024 से, यानी कि ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं और लास्ट डेट टू अप्लाई है आपकी 24 जुलाई 2024, यानी कि 24 जून से 24 जुलाई 2024 तक आप अपनी जो है वो एप्लीकेशन के लिए फिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों टेंटेटिव शेड्यूल फॉर टीयर वन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो सितंबर और अक्टूबर में ये शेड्यूल्ड है दोस्तों, और टीयर टू का जो पेपर होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वो दिसंबर 2024 में शेड्यूल है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन। तो दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसीज दी गई हैं वो 17,727 हैं, हालांकि जो वैकेंसीज का इंक्रीज होने का यहाँ पर चांसेस हैं, तो उसकी जो डिटेल्स है वो आ जाएगी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसे ही आएगी मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा। अभी बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं उनमें एक्स सर्विसमैन का दोस्तों 10% रिजर्वेशन फिक्स होता है, ठीक है। अब बात करते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसीज फॉर ईएसएम। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन का पैरा 3.3 वैकेंसीज फॉर ईएसएम आर रिजर्व फॉर ओनली ग्रुप सी पोस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर बी और सी दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आवेदन मांगे गए हैं, लेकिन जो एक्स सर्विसमैन है वो केवल ग्रुप सी की पोस्ट पर ही अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ग्रुप सी में दोस्तों पे लेवल 5 और पे लेवल 4 दो तरह की वैकेंसीज हैं। तो पे लेवल 5 है दोस्तों ऑडिटर ऑफिस अंडर CANG, उसके बाद में ऑडिटर ऑफिस अंडर CGDA, ऑडिटर अदर मिनिस्ट्रीज पब्लिक डिपार्टमेंट्स, अकाउंटेंट्स ऑफिस अंडर CANG एंड अकाउंटेंट्स कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। उसके बाद में है दोस्तों अकाउंटेंट ऑब्लिक जूनियर अकाउंटेंट अदर मिनिस्ट्रीज ऑब्लिक डिपार्टमेंट। ये पूरी ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं और एज लिमिट इनके लिए है 18 से 27। एक्स सर्विसमैन को कितनी एज की जरूरत होगी और एज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। पे लेवल 4 की दोस्तों आपकी जो वैकेंसीज हैं वो इस प्रकार हैं पोस्टल असिस्टेंट ऑब्लिक सर्सोर्टल असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि SSA और UDC अपर डिवीजन क्लर्क सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस मिनिस्ट्रीज अदर देन CSCS कैडर्स, ठीक है। ग्रुप सी की पोस्ट है 18 से 27 एज लिमिट है। उसके बाद में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंजीनियर सर्विस ऑब्लिक मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ग्रुप सी और 18 से 27 आपकी एज लिमिट है। टैक्स असिस्टेंट CBDT ग्रुप सी 18 से 27 और टैक्स असिस्टेंट CBIC ग्रुप सी 18 से 27 आपकी एज लिमिट है। उसके बाद में है दोस्तों सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज हैं जो ग्रुप सी की हैं और 18 से 27 इनकी एज लिमिट है। अब चलते हैं दोस्तों एज रिलैक्सेशन। तो आपने देखा 18 से 27 यहाँ पर एज दी गई है, तो आपके लिए दोस्तों जो एज की कैलकुलेशन होती है वो इस प्रकार होती है एक्स सर्विसमैन के लिए 3 years after deduction of military service rendered from the actual age as on the closing date. तो 24 जुलाई 2024 के लिए आपकी जो एज है उसमें से आपने आर्मी एयरफोर्स या फिर नेवी के अंदर जितनी भी सर्विस की है उस सर्विस को माइनस कर देना और उसमें से 3 साल और माइनस कर देना, फिर जो आपकी एज है वो 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी किसी को समझ में ना आए तो मुझे मैसेज करें, मैं एक पर्टिकुलर वीडियो या फिर आपके लिए कमेंट में ही उसका जवाब दे दूंगा। उसके बाद में आती है दोस्तों बात एप्लीकेशन फीस फॉर ईएसएम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एक्स सर्विसमैन इलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फी। तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो नहीं जाएगी
आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपके लिए SSC की न्यू ऑफिशियल वेबसाइट जो कि इस प्रकार दी गई है, इसको नोट कर सकते हैं आप। इस पे जाकर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको फॉलो करते हुए अपनी एप्लीकेशन को फिल करना है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों सिलेबस की तरफ। तो सिलेबस आपका इस प्रकार है, आपके दो पेपर होंगे टीयर वन और टीयर टू के। तो टीयर वन का दोस्तों जो सिलेबस है यानी कि जो सब्जेक्ट उसमें कवर होंगे वो इस प्रकार हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, ठीक है। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, यानी कि दो नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, ठीक है। इसके लिए आपको जो समय दिया जाएगा दोस्तों वो 1 घंटा 20 मिनट दिया जाएगा, ओके। टीयर वन विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए दोस्तों जो डी वाला पार्ट है इसको छोड़ के आप जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में किसी से भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, यहाँ पर आप ध्यान रखना पेपर में जाने से पहले कि कोई भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन के लिए आधा नंबर काटा जाएगा। उसके बाद में है दोस्तों स्कीम फॉर टीयर टू एग्जामिनेशन। तो टीयर टू एग्जामिनेशन दोस्तों पेपर वन होगा, पेपर टू आपके लिए लागू नहीं है, इसलिए मैं पेपर वन के बारे में ही बताऊंगा। तो इसमें दोस्तों आपका 2 घंटे 15 मिनट का टाइम होगा। इसमें आपका सेक्शन वन में मॉड्यूल वन में दोस्तों आपका मैथमेटिक्स आएगा, और मॉड्यूल टू में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इसके 30-30 क्वेश्चन होंगे जो कि 60 नंबर के होंगे, और 30-30 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन का आपको 3 नंबर होगा, ठीक है। टाइम आपको होगा 1 घंटा 20 मिनट। उसके बाद में दोस्तों सेक्शन टू में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन होगी, इसके 45 क्वेश्चन होंगे। मॉड्यूल वन में, मॉड्यूल टू में दोस्तों जनरल अवेयरनेस होगी, इसके 25 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 70 क्वेश्चन होंगे, 70 क्वेश्चन 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 210 मार्क्स होंगे। सेक्शन थर्ड में दोस्तों आपको कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा आपके, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, और इसको आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों सेक्शन थर्ड है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, ठीक है। तो आपका एक डाटा एंट्री का आपको टास्क दिया जाएगा जो कि आपको करना जरूरी है, और आप देख सकते हैं पेपर सेकेंड टीयर टू में आपका नहीं होगा, क्योंकि ये जो स्टेटिस्टिकल ऑफिसर होंगे उनके लिए ये पेपर लागू है। यहाँ पर कुछ एग्जामिनेशन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं। टीयर टू विल बी इंक्लूडिंग कंडक्ट ऑफ पेपर वन एंड पेपर सेकेंड इन सेपरेट शिफ्ट ऑब्लिक डेज। पेपर वन इज कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट्स एंड पेपर सेकेंड विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर यानी कि JSO इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिकल एंड स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो आपके लिए टीयर वन में भी और टीयर वन और टीयर टू में केवल एक एक पेपर ही होगा। उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो अगर आपके पास में आर्मी का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है और आप 10th पास हैं और आप अपनी 15 ईयर की सर्विस जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप इन वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं एज ए एक्स सर्विसमैन, ठीक है। मतलब आपके पास में आर्मी का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है, फिर चाहे आप 10th पास भी हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर लास्ट है दोस्तों ये, फॉर एनी सर्विसमैन ऑफ 3 Armed Forces ऑफ द यूनियन टू बी ट्रीटेड एज एक्स सर्विसमैन फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन ही मस्ट हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड एट द रिलेवेंट टाइम ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन। तो दोस्तों अगर आप सर्विंग पर्सन हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ आपके लिए दोस्तों डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना होगा अपने CO से साइन करा के 24 जुलाई 2025 तक, कि 24 जुलाई 2025 तक आप जो है वो सर्विस से रिलीज हो जाएंगे और आप के लिए रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। तो आप क्या है एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में आ जाएंगे और आप भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।